जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो क्यों ना आज नवरात्रि स्पेशल व्रत में खाने के लिए आलू टिक्की बनाया जाए, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और कितनी सॉफ्ट और कुरकुरी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो चलिए आज बनाते हैं आलू की टिक्की, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसे व्रत में खा सकते हो। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब? जैसा कि आपने देखा, आज हम बनाएंगे नवरात्र का स्पेशल आलू टिक्की, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हो, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसके लिए सबसे पहले हम बना लेंगे चटनी, जिसके साथ आप आलू टिक्की को खाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कोरिएंडर, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये एक बाउल के जितना है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक टमाटर, जिसे रफली चॉप कर लिया है, उसे भी डाल देंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर दो हरी मिर्च लिया है, उसे भी ऐड कर दूंगी। इसके साथ साथ मैंने यहाँ हाफ टेबल स्पून ये सेंधा नमक है, काला नमक, उसे डाल देंगे और फिर इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड, चटनी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे एक मिक्सिंग एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, धनिया चटनी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब आलू टिक्की चाट तैयार कर लेते हैं। इसे हम साइड में ढककर रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और चार आलू लिए हैं। अब इन आलूओं को मैं इसमें इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ, चारों के चारों आलूओं को इस तरह से। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों आलूओं को ग्रेट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 100 ग्राम के जितना ही पनीर लिया था, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स, टिक्की बहुत ही टेस्टी बनेगी, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, ये देखिए, ये बागर है, जिसे हम सेमोलिना, मतलब यानी कि सेमक, सेम का चावल भी बोलते हैं। ये व्रत में खाया जाता है, इस तरह का छोटा छोटा दानेदार इस तरह का। इसको मैंने मिक्सी में हाफ कटोरी इतना ही लिया था मैंने, और इसे मिक्सी में पीस कर इसका एक पाउडर बना लिया, जैसे कि चावल का आटा बनता है उसी तरह का मैंने एक पाउडर बना लिया है। अब मैं इसे इसमें बाइंडिंग के लिए मिक्स करूँगी, जिससे कि हमारी टिक्की जो है वो ऐसे बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं, और एकदम से अच्छी सी सॉफ्ट क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। मैं यहाँ पर लगभग 4 टेबल स्पून के जितना ये ऐड करूँगी। अगर आपको लगे कि आपकी टिक्की नहीं बन रही अभी भी, तो आप इसे और यूज़ कीजिएगा, लेकिन मैंने एक बार यहाँ पर 4 टेबल स्पून डाल दिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरा धनिया खूब सारा, एक हरी मिर्च, आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के जितना चिल्ली फ्लेक्स लिया है। अगर आप लाल मिर्च खाते हो तो ही आप चिल्ली फ्लेक्स को ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ये लगभग 1 चम्मच के जितना चिल्ली फ्लेक्स है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के जितना जीरा। अगर आप जीरा भी खाते हो फास्ट में तो ही यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ सेंधा नमक, काला नमक 1/2 टेबल स्पून के जितना, मैं यहाँ वाइट नमक यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इन सबको मैं अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स करूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें और थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए आटा डालने की ज़रूरत है तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इस तरह से पहले एक बार बना कर देख लीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत आसानी से बन रही है, ये देखिए चिपचिपाहट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका एक डो तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, छोटा छोटे बॉल्स ले लेंगे इस तरह से,
आप अपने हाथ पर चाहो तो तेल भी लगा सकते हो थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपसे टिक्की नहीं बन रही है। और इस तरह से इसे राउंड राउंड शेप दे दीजिएगा। इसके कॉर्नर को अच्छे से हमें इस तरह से दबाकर पूरा बंद करना है, नहीं तो अगर ये फटे हुए रह गए तो ये तेल में भी पूरी अच्छी तरह से नहीं फ्राई होंगे। हमें इसे शैलो फ्राई करना है और ज़्यादा मोटी टिक्की आप नहीं बनाइएगा, ठीक ठीक मीडियम साइज की। ये देखिए इस तरह से, और इसे एक प्लेट पर रखते जाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी टिक्कियां बनाकर मैंने रेडी कर ली है और लगभग ये 8 बड़ी टिक्कियां बनकर तैयार हो गई है। छोटी सी टिक्की बनाई है मैंने, तो अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। टिक्की को शैलो फ्राई करने के लिए मैंने इस तरह एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देंगे और मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हो। पैन को हम एक बार ग्रीस कर लेंगे इस तरह से, आप चाहे तो ब्रश से भी ग्रीस कर लीजिएगा। अगर आप फास्ट में रिफाइंड ऑयल नहीं खाती है तो आप देसी घी यूज कर सकते हो। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा हम इसमें एक एक करके इस तरह से टिक्कियां रखना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह से, के बाद हम हल्का हल्का इनके ऊपर भी तेल लगा देंगे और उसे इस तरह से फैला देंगे ताकि जब हम दूसरा साइड पलटना पड़े तो हमें नीचे ऑयल और नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह से अब हम इसे नीचे से एक बार गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, फिर उसे पलट लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। देखिए फ्रेंड, लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और ये बहुत क्रिस्पी बनी है। अब हम सारी टिक्कियों को इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सब टिक्कियों को पलट दिया है और कितना ही सुंदर कलर आया है। अब हम दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ऑयल डालना है तो आप हल्का सा डाल दीजिएगा, मुझे नहीं लग रहा यहाँ ज़रूरत नहीं है ऑयल डालने की तो मैं नहीं डाल रही हूँ। देखिए बहुत ही कम तेल में ये आपकी टिक्की फ्राई हो जाएगी और बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखिए फ्रेंड, लगभग 4 मिनट के बाद ये देखिए हमारी टिक्की जो है वो दूसरी तरफ से भी ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। आवाज़ सुनिए आप, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पर। वैसे तो इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल कम तेल डाला था हमने यहाँ पर। देखिए मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल लिया है, तो अब चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, सुपर टेस्टी हमारी व्रत की जो रेसिपी है ये रेडी हो चुकी है। आप इसे खाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक टिक्की तोड़कर दिखाती हूँ।
ये अंदर से एकदम पकी हुई है और इसे मैंने पहले ही तोड़ दिया था तो ये भी एकदम पकी हुई है अंदर से। और इसे अब मैं इस तरह से डिप करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।